श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी हिंदू धर्म की रक्षा करने लई जदू औरंगजेब नूं मिलण लई दिल्ली जा रहे सी तां रस्ते विच गुरु जी ते उन्हां दे सिखां नूं मुगल फौज ने गिरफ्तार कर लिया। मुगल हुकूमत की फौज गुरु तेग बहादुर जी नूं औरंगजेब नाल मिलाउण दे लई एक पिंजरे विच कैद करके लै गई। औरंगजेब ने गुरु जी नाल मिल के गुरुदेव के सामने इस्लाम स्वीकार करन दा प्रस्ताव रखिया अते कहा कि जेकर ओह इस्लाम स्वीकार कर लैंदे हन तां ओह सब उन्हां दे मुरीद बन जाणगे, नहीं तां ओह उन्हां दी हत्या करवा देवेगा। इस दे जवाब विच गुरुदेव ने फरमाया, उन्हां नूं किसे प्रकार दा डर नहीं, मौत तां एक अटल सच्चाई है, अंत जम्मण मरन सब एक खेल मात्र है। औरंगजेब ने गुरु जी नूं डराउण दे लई गुरु जी दी अखां दे सामने भाई सतीदास जी नूं रूह विच लपेट के जिंदा जला दिता। उस तों बाद भाई दयाला जी नूं बहुत वड्डे बर्तन विच पाणी पा के बिठा दिता अते चुल्हे विच अग साड़ दिती। जिवें जिवें पाणी गर्म हुंदा गया तिवें तिवें भाई दयाला जी गुरबाणी उचारण करदे होए अपने गुरुदेव दे सन्मुख अकाल पुरख दे चिंतन विच विलीन हुंदे गए अते शहीद हो गए। उस तों बाद गुरु जी दी अखां दे सामने भाई मतीदास नूं आरे नाल चिरवा दिता गया। पर इस घटनावां दा गुरुदेव उत्ते कोई प्रभाव नहीं हुंदा वेख के औरंगजेब बुखला गया अते उसने गुरुदेव नूं शहीद करन दी घोषणा करवा दिती। इस शहीदी घटनाक्रम नूं वेखदे होए गुरुदेव दे होर सेवकां ने पिंड रकाबगंज दे भाई लखी शाह वल्लों मिल के एक योजना बनाई कि गुरुदेव दे शहीद हो जाण उत्ते उन्हां दे शरीर की सेवा संभाल तुरंत कीती जावे अते इस योजना दे अनुसार उन्हां ने एक विशेष बैलगड्डी तैयार कीती जिसदे हेठां एक संदूक बनाया गया जिसका ढक्कन उत्ते वल्लों खुलदा सी। भाई जैता जी नाम का एक सिख गुरुदेव दे सर दी संभाल कर लई वख वल्लों तैयार होया। औरंगजेब दे इस फरमान दे नाल ही प्रशासन ने सारे दिल्ली नगर विच डोंडी पिटवा दिती कि हिंद दे पीर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी चांदनी चौंक चबूतरे उत्ते कतल कर दिता जाएगा। इस दृश्य नूं देखण उत्ते विशाल व्यक्ति समूह उभर पिया। निश्चित समा गुरुदेव नूं चबूतरे उत्ते बिठाया गया। काजी ने जलाद नूं गुरु जी दी गर्दन उत्ते तलवार दा वार जरा जोर वल्लों चलाउण दा आदेश दिता। तलवार चलाउण ते जिवें ही गुरु जी दा पवित्र सर उन्हां दे पवित्र शरीर वल्लों वख होया उदों ईश्वर दा एक चमत्कार होया। उत्थे भयानक हनेरी चलण लगी अते सारे धूल भरी हनेरी विच अखां बंद करन उत्ते मजबूर हो गए। पर हनेरी दा मुनाफा चुकदे होए उत्ते नज़दीक खड़े भाई जैता ने झपट के फुरती वल्लों गुरुदेव दा सर चुक के अपनी झोली विच पाया अते भीड़ विच अलोप हो गया अते बिना रुके नगर दे बाहर उडीक विच खड़े भाई उदय जी वल्लों जा मिले। उस समय उन्हां दोनां सिखां ने अपना पहरावा मुगलां वर्गा बनाया होया सी जिस कारण इन्हां नूं आनंदपुर साहिब दी तरफ वधन विच सहायता मिली। सर दे बेपता हो जाण उत्ते औरंगजेब ने शहर भर विच ढोंडी पटवाई कि जेकर कोई गुरु दा सिख है तां उन्हां दे शरीर दा अखीर संस्कार करन लई अगे आए। पर औरंगजेब दे डर दे कारण कोई सामने नहीं आया। पर योजना दे अनुसार भाई लखी शाह अपनी बैलगड्डियां दे काफले दे नाल चांदनी चौंक वल्लों गुजर के जो कि लाल किले विच सरकारी समान छड के वापस परत रहे सन। कुदरत ने भी उन्हां दा साथ दिता। उस समय उत्थे भी जोरां वल्लों हनेरी चलन लगी सी। हनेरी दा मुनाफा चुकदे होए उन्हां ने गुरुदेव दे शरीर उत्ते चादर पा के झट वल्लों चुक लिया अते संदूक वाली बैलगड्डी विच रख के उत्ते वल्लों ढक्कण बंद कर उस उत्ते चटाई विछा दिती अते गड्डी हाकदे होए अगे वध गए। हनेरी दे कारण उत्थे खड़े सिपाही शरीर नूं चुकदे समें किसे नूं भी नहीं वेख सके। पल भर विच
शरीर के खो जाण उत्ते संतरियां ने बहुत खोजबीन की पर वह असफल रहे। इस प्रकार भाई लक्की शाह का काफिला गुरुदेव का पवित्र शरीर गुप्त रूप वल्लू लै जाण विच सफल हो गया। लक्की शाह ने तद गुरुदेव के पवित्र शरीर नू अपने घर के अंदर ही रख के चिता नू अग लगा दिती अते हल्ला मचा दिता कि उन्हां दे घर नू अग लग गई है। इस प्रकार औरंगजेब दे डर दे हुंदे होए भी गुरु दे सिखां ने गुरुदेव का अंतम संस्कार जुगती वल्लों गुप्त रूप विच कर दिता। अजकल उस स्थान उत्ते रकाबगंज नामक गुरद्वारा है। उधर दूजे पासे भाई जैता जी अते उन्हां दे साथी लंबी यात्रा करते हुए कीरतपुर साहब पहुँचे। जिवें ही यह सुनेहा माता नानकी जी अते परिवार नूं मिलिया कि गुरुदेव ने अपने प्राणा की होती मनुखता दे मूल अधिकारां दी सुरक्षा हेतु दे दित्ती है अते उन्हां दा सर एक सिख कीरतपुर साहब लैके पहुँच गया है तां उह सारे सिखां सहित कीरतपुर साहब पहुँचे। उस समय भले ही माहौल विच दुख अते सोग की लहर सी पर बालक गोबिंद राय सारे नूं सबर का पाठ पढ़ा रहे सन। कीरतपुर साहब पहुँच के भाई जैता जी वल्लों आप गोबिंद राय जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब का पवित्र शीश प्राप्त किया। भाई जैता जो रंगरेटा कबीले के नाल संबंधित सन उन्होंने अपने गल वकड़ी विच लिया अते वरदान दिता रंगरेटा गुरु का बेटा। विचार होया कि गुरुदेव जी दे शीश दा अंतम संस्कार किथे किता जावे। दादी मां अते माता गुजरी ने कहा कि आनंदपुर साहब दी नगरी गुरुदेव जी ने आप वसाई सी, अंत उन्हां दे शीश दा संस्कार उत्थे ही किता जावे। इस उत्ते शीश साहब नूं पालगी साहब विच आनंदपुर साहब लिया गया अते उत्थे शीश साहब जी दा संस्कार किया गया।